ये है मालदा, जिसे इंग्लिश बाजार भी कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल का एक बेहद ही खूबसूरत जिला है, जो कि महानंदा नदी और कालिंदी नदी के संगम के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों, मालदा जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इंग्लिश बाजार में लोकेटेड है। मालदा जिला लगभग 165.5 किलोमीटर की टेरिटोरियल बाउंड्री बांग्लादेश से भी शेयर करता है, जिस वजह से इसके पूर्वी भाग में बांग्लादेशी कल्चर देखने को मिल जाएंगे। मालदा जिले का गंभीर फॉक कल्चर काफी प्रसिद्ध है, जो कि डेली लाइफ के खुशियां और गमों को दर्शाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल में सबसे पहले मालदा जिले के मानिकचक में ही प्रवेश करती है? या फिर मालदा जिले का स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त 1947 है? जी हाँ दोस्तों, इन बातों को जानकर आप शायद हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं मालदा के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। पूर्व में दक्षिण दिनाजपुर और बांग्लादेश, पश्चिम में बिहार राज्य और झारखंड राज्य, उत्तर में उत्तर दिनाजपुर और बिहार राज्य तथा दक्षिण में मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश से घिरा हुआ मालदा जिला 3733 स्क्वायर किलोमीटर के वृहद क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और 2011 के रिपोर्ट के मुताबिक इस जिला में लगभग 40 लाख लोग रहते हैं। दोस्तों, मालदा जिला प्राचीन गौर और पांडुआ की सीमा के भीतर हुआ करता था। ये दोनों शहर प्राचीन और मध्ययुगीन बंगाल की राजधानी रहे हैं। गौर की सीमा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से विभिन्न युगों में बदली गई थी, और इसका नाम पौराणिक ग्रंथों में भी पाया जा सकता है, जबकि पुंड्र नगर मौर्य साम्राज्य की प्रांतीय राजधानी हुआ करती थी। प्रशासनिक संरचना की बात करें तो मालदा जिले में 15 विकास खंड, 2 नगर पालिका, 146 ग्राम पंचायत और 3701 गांव आते हैं। कोलकाता से 347 किलोमीटर दूर इस खूबसूरत से जिला को अक्सर लोग मालदा आम के लिए जानते हैं। उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार मालदा जिला, जो कि कभी गौर बंगा की राजधानी हुआ करती थी, अपने पर्यटकों और वैसे लोगों जिन्हें पुरातत्व ज्ञान में इंटरेस्ट है, उनके आने का इंतजार कर रही है, ताकि वे यहां की चीजों को और भी करीब से एक्सप्लोर करके दुनिया के सामने ला सके। सड़कों पर दौड़ रही अधिकतर गाड़ियों में अगर आप WB65 लिखा हुआ देखें, तो समझ जाए कि आप पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हैं। मालदा जिला रेल और रोड के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बात अगर सड़क मार्ग की करें तो नेशनल हाईवे 12 मालदा से होकर गुजरती है, जबकि रेल मार्ग में मालदा टाउन रेलवे स्टेशन यहां का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। लोकल ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो WTBTC की सरकारी बसें और टैक्सियां मालदा शहर से आसपास के शहरों के लिए काफी आसानी से मिल जाती है। मालदा एक ऐसा जिला है जो कि 2 नदियों के संगम पर स्थित है। मालदा जिला कई ऐतिहासिक विरासत और जगहों के लिए आज भी पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यहाँ मौजूद किले और भवन आज भी प्राचीन युगों की याद दिलाते हैं। मालदा में घूमे जाने वाले कुछ प्रमुख स्थानों में गौर महल, आदिना डियर पार्क, मालदा संग्रहालय इत्यादि शामिल है। मालदा पश्चिम बंगाल का एक ऐसा जिला है जहाँ पर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की जनसंख्या की तुलना में ज्यादा है, यानी कि हिंदू पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में माइनॉरिटी है, जबकि मुस्लिम्स यहां पर मेजॉरिटी में है। 2011 के सेंसस के मुताबिक मालदा में मुसलमानों की जनसंख्या 51.27% थी, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या 47.99% थी। मालदा जिले के लोगों के द्वारा अधिकतर बंगाली भाषा का उपयोग बोलचाल में किया जाता है। 939 महिला प्रति 1000 पुरुष के लिंगानुपात के साथ ये जिला पश्चिम बंगाल में लिंगानुपात के मामले में काफी नीचे आता है। मालदा भारत में अच्छे गुणवत्ता वाले जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सहतूत के बागान और आम के बगीचे भी मालदा की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती प्रदान करते हैं। खासकर आम के व्यापार और रेशम निर्माण यहाँ के प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं। मालदा जिले के ज्यादातर लोगों के जीविका कृषि पर आधारित है,
और यहाँ के ज्यादातर लोग खेतों में काम करने वाले अनस्किल्ड लेबर हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार खेतिहर मजदूर और अन्य मजदूरों की जनसंख्या इस जिले में 73.08% है। दोस्तों, मालदा जिला नकली नोटों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में जितने भी नकली नोट सप्लाई होते हैं उनमें से ज्यादातर यानी कि 90-95% नोटों की छपाई मालदा जिले में होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदा जिले के 31.8% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिसके वजह से मालदा का इकोनॉमिक फिगर काफी डाउन होता जा रहा है। पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो मालदा जिला पढ़ाई लिखाई के मामले में एक औसत जिला है, क्योंकि 2011 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की साक्षरता दर महज 62.71% है। वही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 में रिलीज किए गए एक डाटा के अनुसार मालदा जिले का क्राइम रेट 207.43 है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पश्चिम बंगाल के मालदा सिटी के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आगे भी फ्यूचर में इसी तरह के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अगले वीडियो आप किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।